पलट गया है बॉलीवुड के बादशाह का तख्ता। किंग खान के हुक्म के फरमान बेअसर हो रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड के सबसे बड़े किंग साबित हो चुके शाहरुख खान की सल्तनत में ये सेंध ना तो सलमान खान ने मारी है और ना ही आमिर ने किया है एसआरके को चैलेंज, बल्कि किंग खान का ये हाल तो हुआ है खुद अपने ही दरबार में। जी हाँ, यही है बॉलीवुड के पावर गेम का लेटेस्ट अपडेट। रिपोर्टेडली किंग खान के हुक्म की नहीं बल्कि मन्नत में हो रही है बेगम खान के हुक्म की तामील, और बॉलीवुड में अब तक टफ से टफ सिचुएशंस के सामने हार ना मानने वाले किंग खान ने अब अपनी बेगम के सामने कर दिया है सरेंडर। वैसे तो पहले भी किंग खान अपने नाम से पहले अपनी बेगम का नाम गिनवाते रहे हैं। ऐसा जी फॉर गौरी एंड वन फॉर माय पोजीशन इन द फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन अब जरा ये भी देख लीजिए कि कल तक बॉलीवुड के बादशाह रहे शाहरुख खान कहां और कैसे बन गए अपनी बेगम के गुलाम। दरअसल सोर्सेस से पता चला है कि एक रीसेंट शूट के दौरान किंग खान नजर आए अपनी वाइफ के लिए एक्स्ट्रा केयरिंग। यूं तो किंग खान एटिकेट्स में इंडस्ट्री के सारे सितारों में अव्वल हैं, अपने मेहमानों को ही नहीं दूसरे की पार्टी में भी अपने फीमेल फ्रेंड्स को खुद कार तक छोड़ने चले जाते हैं किंग खान। ऐसे में जब मामला गौरी खान और उनके एड शूट का था तो किंग खान ने अपनी बेगम की खिदमत का कोई मौका नहीं छोड़ा। सुनने में तो ये भी आया कि गौरी के फ्रेम लेकर उनके हर एक लुक पर थी किंग खान की पैनी नजर, और तो और गौरी की रिक्वेस्ट पर शूट के दौरान किंग खान ने स्मोकिंग से भी दूरी बनाकर रखी। वैसे सुनने में आया है कि एक ब्रांड के लिए एसआरके गौरी के रीसेंट शूट में ही नहीं किंग खान के घर यानी कि मन्नत में भी किंग खान का नहीं बल्कि बेगम खान का दबदबा चल रहा है। घर में होता वही है जिस पर गौरी खान की मंजूरी मिल जाती है। फिर भले ही रिसेंटली लाइट में आया बेटे आर्यन को लाइमलाइट से दूर अब्रॉड भेजने का मामला क्यों ना हो। I really believe that education is the most important aspect, and I think if you are a movie star's children in this country, maybe there is a chance that the kids might ignore it, because you know you get affected by so many things happening. You want to be a movie star even before your time. I became a movie actor when I was 26. I finished my masters. I educated myself, and I think it helps you a lot. कंप्लीट फैमिली मैन की इमेज तो किंग खान के नाम पहले से ही रही है। उस पर आजकल किंग खान अपनी फैमिली की कंफर्ट के मुताबिक ही अपना स्केड्यूल प्लान करने लगे हैं। रिसेंटली जब चेन्नई एक्सप्रेस के सिलसिले में किंग खान ने रखी रोहित शेट्टी के साथ मीटिंग, तब जूम ने ही आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया था कि इसका वेन्यू बांद्रा में उनके घर के नजदीक का एक रेस्टोरेंट था, और अनुष्का के साथ अपनी दूसरी मीटिंग के लिए भी किंग खान ने चुना था द सेम प्लेस। यानी कि लगता है पिछले साल रहे एसआरके पीसी लिंकअप्स के रूमर्स की भरपाई किंग खान को एक फुली डिवोटेड हबी का रोल अदा करके करनी पड़ रही है, और एक फ्लेक्सिबल लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड की तरह पेश आकर किंग खान ने भी लगता है कुछ देर के लिए ही सही रोल रिवर्सल के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। इसीलिए कुछ दिनों तक बॉलीवुड के गेम में अगर किंग खान किंग ऑफ हार्ट्स की जगह जैक ऑफ हार्ट्स के तौर पर आए नजर तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ताश के गेम में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट जूम मुंबई। हाय दिस इज मोनी रॉय। सब्सक्राइब टू जूम टीवी चैनल ऑन यूट्यूब एंड जूम इन टू फ्रेश बॉलीवुड न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। जस्ट विजिट www.youtube.com/zoomtv।